Hello and welcome to Sprint UPSC. As you know, we are covering macroeconomics, class 12th NCRT. We were in the fourth chapter, income determination. As of now, हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स अपने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं. In this video, we are going to start with multiplier effect and paradox of thrift, which will be the last videos, which will be the last video for whole of the chapter. लास्ट टाइम जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड को पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने एक चीज देखी थी. दिस इज आवर इनकम लाइन. ये इनकम लाइन है हमारी. लेट मी स्ट्रेटन अप रिटर्न. दिस इज इनकम लाइन. ओके. और ये हमारी एक एग्रीगेट डिमांड की एक लाइन थी. दिस इज एडी. अब एडी है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनकम, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इनकी वजह से जो कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और गवर्नमेंट डिमांड है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड, उसकी वजह से एक एग्रीगेट डिमांड आ रहा है. और जहां पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड आर इक्वल टू इच अदर, वो हम लोगों की इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड ई वन इसे बोल देते हैं. और जहां और जो हमारी इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड होती है वही हमारी नेशनल इनकम में ट्रांसलेट होती है. दिस इज नेशनल इनकम बाय वन, जिसे आउटपुट या जीडीपी भी हम लोग बोलते हैं. अब हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था, पहले मैं एक चेंज कर लेता हूँ. लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि सपोज वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय दिस फ्रैक्शन, उसकी वजह से हम लोगों के इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हो गया. तो दिस इज ए डी डैश. अब इसकी वजह से हम लोगों के पास जो इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड नया आया E2, वो आया दिस, एंड दिस इज Y2. वन थिंग वी कैन नोटिस हियर कि जो एग्रीगेट डिमांड में जो गैप है और नेशनल इनकम में जो गैप आया है यहां पे, वो उसमें बहुत बड़ा अंतर है. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब इन्वेस्टमेंट को हमने बाय सर्टेन फ्रैक्शन चेंज करा तो उसके आउटपुट उसके रिजल्ट में हमारे नेशनल इनकम एक ग्रेटर फ्रैक्शन से चेंज हुई. उसका कारण होता है दिस मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. अब इसी को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म काम असल में करता कैसे. सपोज मैंने 1000 रुपए की स्पेंडिंग करी है. दिस इज मी पर्सन ए हु स्पेंट 1000 रुपीज. अब वो 1000 रुपीज जो मेरे हैं वो किसी की अर्निंग बनी. सपोज वो सारी की सारी अर्निंग पर्सन बी की बनी. आई एम टेकिंग दिस अजम्पशन कि मैं सारी स्पेंडिंग एक ही पर्सन पे डेडिकेट कर दे रहा हूँ या एक ही पर्सन को दे दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली. और कोई इसका पीछे कारण नहीं है. अभी मैं पर्सन बी सी डी ई एफ को भी कर सकता था लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पर्सन बी को मैंने सारी स्पेंडिंग 1000 रुपीज की कर दी है. अब मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर मान लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is 0.8, मतलब 80% की टेंडेंसी है कि इनकम को कंज्यूम करा जाएगा एंड ओनली 20% विल बी दी सेविंग्स. तो 80% विल बी कंज्यूम्ड. इसका मतलब 800 रुपए पर्सन बी स्पेंड करेगा और वो सारी की सारी कंजप्शन इनकम बन जाएगी पर्सन सी की. पर्सन सी उसमें से 6400 रुपीज या 6400 पर्सन डी के ऊपर खर्च कर देगा. यहाँ पे स्पेंडिंग्स यहाँ पे लिखते जाते हैं, ये 200 सेव हो गया, 100 सेव हो गया, 640, ओके, एंड 160 इज सेव्ड. एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन अंटिल इट माइट पॉसिबल, इट मे हैपन दैट 5000 तक की टोटल इनकम को ये जनरेट कर देगा. मतलब 1000 यहाँ पे, 1000 की अर्निंग्स यहाँ पे क्रिएट हुई, फिर 800 की अर्निंग यहाँ पे हुई तो टोटल 1800 हो गया, फिर 640 की अर्निंग आपको यहाँ पे क्रिएट हुई या 640 की इनकम यहाँ पे क्रिएट हुई तो इसमें 640 कर देंगे. तो इसी में हम लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को 5000 to 6000 अप्रोक्सीमेटली एक नेशनल इनकम या फिर टोटल अर्निंग क्रिएट हो जाएंगी. किससे? 1000 रुपए के एडिशनल इनकम से. 1000 रुपए का जो मैंने परचेज कराया या फिर कंजप्शन करी या इन्वेस्टमेंट करा, उसने इतना पैसा क्रिएट करा.
यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल फ्रैक्शन से बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो नेशनल आउटपुट है या फिर नेशनल इनकम है वो बहुत बड़े लेवल से बढ़ी, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा एक डोमिनो इफेक्ट आएगा। यहाँ पर एक दूसरे की इनकम जनरेट करेगा, दूसरा तीसरे की इनकम जनरेट करेगा, तीसरा चौथी की करेगा, एंड बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन, मतलब 80-80% के प्रोपोर्शन में। अब यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 50% हो जाता तो यहाँ पे देखो इनकम तो फिर भी जनरेट होती है, एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव में है तो तब भी होगी, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 रुपए की स्पेंडिंग क्रिएट हुई, पर्सन ए ने 1000 की स्पेंडिंग करी, वो बनी अर्निंग पर्सन बी की 1000 की। अब यहाँ पे 50% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो यहाँ पे बनी वो पर्सन सी की 500 की इनकम, पर्सन डी की 250, पर्सन सी भी सॉरी ई की 125। ऐसे में हम लोगों की जो फाइनल आउटपुट या फाइनल इनकम होगी इंक्रीज होगी, ये ऐसा नहीं कि 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट एडिशनल हुई तो 1000 रुपीज ही हुआ, इंक्रीज होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब एमपीसी 0.8 था, मतलब 80% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, उसके कंपैरिजन में इस बार बहुत कम इनकम क्रिएट होगी। तो इनकम तो क्रिएट होती रहती है। अब होता क्या है, ऐसा अज्यूम करा जाता था प्रीवियस टाइम्स में कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है लोग ज्यादा ज्यादा खर्चा करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो डोमिनो इफेक्ट होता है वो और ग्रेट हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये बोला जाए, लो इनकम पे कंजप्शन कम होती है और हाई इनकम पे कंजप्शन ज्यादा होती है, कि जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी पीपल और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, और जैसे जैसे मेरी इनकम कम होगी उसमें खर्चे तो कम होंगे ही लेकिन सेविंग्स भी लोअर इनकम पे बढ़ जाएगी। अब ये कॉन्ट्रेरी था पॉपुलर बिलीफ के, ऐसा माना जाता था हियर इनकम है हमारी सपोज वाई, उसका एक पार्ट होता है आपकी कंजप्शन में, दूसरा पार्ट होता है सेविंग्स में। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ऐसा अज्यूम करा जाता है कि कंजप्शन और सेविंग दोनों बाय अ पॉजिटिव फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। सपोज मेरी इनकम है 5000 रुपीज, तो हो सकता है मैंने कंज्यूम करा हो 3000 का और सेविंग कर लियो 2000 की। अब लेकिन यही इनकम मेरी 5000 से होकर 10000 हो जाती है, तो हो सकता है अभी भी इसी रेट से अगर मैं करता हूँ दिस रेट, तो हो सकता है मैं 6000 थोड़ा कंज्यूम कर लूंगा और 4000 की सेविंग कर लूंगा। वो कह रहा है सेविंग्स भी बढ़ रही है और हमारी इनकम भी कंजप्शन भी बढ़ रही है जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ रही है। अभी यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है कि मेरी सेविंग की जो परसेंटेज है, सेविंग परसेंटेज वो नॉर्मल है। यूजुअली क्या देखा गया है कि ये जो सेविंग परसेंटेज है जो यहाँ पे 40% के आसपास है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी। तो मतलब अगर मैं 10,000 से 20,000 पे जाता हूँ तो हो सकता है मेरी सेविंग परसेंटेज जो है इस बार 30% हो जाए, 20 से 40 जाऊंगा तो मेरी सेविंग परसेंटेज 20% हो जाए, ऐसा देखा गया है। और उल्टा इसका रिवर्स देख लिया जाए, इसका रिवर्स केस क्या है, रिवर्स केस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो होता ही है कि जैसे जैसे मेरी इनकम 40,000 से 40,000 में सपोज मैं कंज्यूम कर रहा था 80% और सेव कर रहा था 20%, तो जैसे मैं 30,000 पे आया मैं 70% कंज्यूम कर रहा हूँ और 30% सेव कर रहा हूँ, और जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी मेरा कंजप्शन पैटर्न भी चेंज होता जाएगा। अब लोगों के दिमाग में ये हमेशा से क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकम कम हो रही है तो खर्चा करने के लिए भी कम हो जाएगा पैसा, जब खर्चा करने के लिए ऑलरेडी उसका पैसा कम है तो हाउ कम अ पर्सन इज एबल टू मैनेज मोर एंड मोर प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम इनटू सेविंग। मतलब मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, यहाँ पे देखो अभी मैं 80% खर्चा कर रहा हूँ तो 40,000 का 80% हो जाता है 32,000 रुपीज। 32,000 रुपीज का मैं डेली खर्चा करता हूँ, मतलब मंथली खर्चा करता हूँ। अब 10,000 में मैं केवल 5,000 खर्चे में कैसे रह रहा हूँ और मैं 5,000 की सेविंग करने लग गया, ऐसा कैसे हो रहा है? इसको समझने के लिए कुछ लोगों ने एक टर्म कॉइन करा था, उसको कहा था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट।
इसी को अब हम लोग, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा देखा गया था कि जैसे जैसे पीपल टेंड टू सेव मोर व्हेन देयर पर्सनल इनकम डिक्लाइन, जैसे जैसे इनकम कम होती रहती है वैसे वैसे वो लोग सेविंग्स बढ़ानी शुरू कर देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में? इकोनॉमी में इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंडिविजुअल सेविंग तो बढ़ रही है लेकिन एग्रीगेट सेविंग जो पूरी इकोनॉमी की है वो कम हो रही है। वो कैसे? देखिए, सपोज मैं एक इंसान हूं जो 10,000 कमा रहा हूं अभी, या फिर एक पहले मैं 50,000 कमा रहा था। अब उसमें से हो सकता है मैंने 10% सेव करो, 90% कंज्यूम करो, तो 90% कंजप्शन के बाद मेरे पास जो कंजप्शन हो रही थी वो थी 45,000 की और सेविंग्स हो रही थी वो मेरे पास 5,000 की। ओके, अब पर्सनल सेविंग हो सकता है मैंने बढ़ा दी बाय द टाइम आई रीच 25,000। मैंने सोचा कि 50-50 कर देता हूँ, अब इसको 50-50 कर देता हूँ तो 12,500 में कंज्यूम कर रहा हूँ एंड आई एम एबल टू सेव मोर 12,500। अब यहाँ पे मेरी सेविंग्स बढ़ गई हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे हुआ, लेकिन एग्रीगेट लेवल पे सेविंग्स कम हुई है। वो कैसे? वो इस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे टोटल इनकम कम होती जा रही है वैसे वैसे कंजप्शन कम होती जा रही है, उसकी वजह से जिसके जैसे जैसे कंजम्पशन कम होती जा रही है और उसी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होती जा रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट, आउटपुट कम हो रही है तो इम्पैक्ट उसका क्या पड़ रहा है? कंजम्पशन कम हो रही है, इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर अर्निंग्स और लोअर नंबर ऑफ पीपल अर्निंग्स। एक तो कम लोग काम कर रहे हैं और कम रुपए सेव कर रहे हैं, तब हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है कि अगर मैं 50% भी सेव करूं अपनी 1 लाख की, सॉरी 10% भी सेव करता हूं 1 लाख की इनकम में, तो मैं 10,000 सेव कर दूंगा और इसके 10% में सेव करता हूं तो मैं 10,000 की सेविंग करूंगा, और अगर मैं 50,000 की इनकम में 20% सेव कर रहा हूं तब भी मैं 10,000 कर रहा हूं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेविंग तो बढ़ रही है लेकिन जो एग्रीगेट लेवल ऑफ सेविंग्स है वो कम हो रही है, क्योंकि वो मैंने जो कंजप्शन है वो भी कम कर दिया अपनी, कंजप्शन कम होने की वजह से डिमांड कम होगी, अब कम लोग सेव कर रहे हैं, ओवरऑल जो आउटपुट होता है इकोनॉमी का वो कम हो जाता है, ओवरऑल इनकम भी कम हो जाती है, और जैसे जैसे ओवरऑल इनकम कम होगी वैसे ओवरऑल कंजप्शन और सेविंग्स भी कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि लोग और जैसे जैसे बुरा समय आता रहता है और बुरे समय के लिए तैयार होने लग जाते हैं और ज्यादा सेविंग्स वो करने लग जाते हैं, दे बिकम मोर एंड मोर थ्रिफ्टी, वो इवन टफर डेज वो तैयार हो जाते हैं। तो अब सेविंग्स जो है बैंक में चली गई, अब कोई कह सकता है कि सेविंग्स को चैनलाइज करके इन्वेस्टमेंट में लाया जा सकता है, क्योंकि तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो सेव बैंक में कर रहे हो बैंक को क्या करना है, बैंक को किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बैंक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर भी नहीं पाता है क्योंकि आपके पास डिमांड ही नहीं है, जब डिमांड नहीं है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बैंक के पास वो जो पैसा है बैंक भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों ने ये कहा था, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन जैसे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा था कि ये जो सेविंग बुरे टाइम में इंक्रीज होती है उस सेविंग को हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूचर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कि फ्यूचर के लिए जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर रोड्स या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए कैपिटल इक्विपमेंट चाहिए होंगे, उसमें यूज कर सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक तो बात है सेविंग्स इंक्रीज हो गई है, सेविंग्स हैव बीन इंक्रीज्ड, और डिमांड इन्वेस्टमेंट की डिमांड वो कम हो गई है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम है, तो इस वजह से सेविंग्स इंक्रीज होने की वजह से बैंक्स क्या करेंगे, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डिमांड ऑलरेडी बहुत कम है तो चाहेंगे जो भी मेरे पास पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाए, तो यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। इसकी वजह से जो कैपिटल अरेंजमेंट होता है वो बहुत सस्ते लेवल पे करा जा सकता है, इसलिए मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे, क्योंकि इतने सस्ते लेवल पे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेस मिल रहे हैं
तो इस टाइम की सेविंग्स को यूज करना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर में, ताकि हम लोग ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो एक ही दिन में जीने पे भरोसा करते थे, उनका कहना था कि, जैसे हमारे जेम कीन्स, उनका कहना था कि बजाय इसके कि हम लोग लॉन्ग रन की सेविंग्स और लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सोचें, ऐसे टाइम पे जब लोग 50 हो गए हैं और वहां पे सेव करना शुरू कर चुके हैं वो लोग, वहां पे गवर्नमेंट को तुरंत स्टेप इन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उधार लेके वो जो एग्रीगेट डिमांड में कमी आई है उसको कंपनसेट करें। अब ये जो उधारी, जैसे जैसे गवर्नमेंट उधार लेके वो कंपनसेशन करेगी, वैसे वैसे इनकम लोगों की बढ़ती जाएगी, और फ्यूचर में जब इनकम बढ़ जाएगी तो ये जो गवर्नमेंट बोरोइंग है उसको टैक्स करके कंपनसेट कर देंगे फ्यूचर में। तो ये जेएम कीन्स जैसे लोगों का कहना था। सो दिस वाज अबाउट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। एंड दिस वाज कंप्लीट फोर्थ चैप्टर। अब आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंट यूपीएससी के ऐप पे जाइए, वहां पे फोर्थ चैप्टर का टेस्ट क्रिएट कीजिए और देखिए कि आपको कंसेप्ट में कितनी क्लैरिटी आई है, पहली बात। इसके अलावा भी अगर आप कोई एनसीईआरटी या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स या किसी सब्जेक्ट वाइज अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने कंसेप्ट को चेक करना चाह रहे हैं, तब आप यूपीएससी स्प्रिंट स्प्रिंट यूपीएससी के ऐप पे जाएं और उनके टेस्ट क्रिएट करें, और जितने ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे आप कॉम्पिटिशन में बेटर होते रहेंगे। दिस इज अ सेइंग, आई थिंक माइक टायसन ने कहा था कि आप शायद काम नहीं कर रहे हो, यू माइट नॉट बी वर्किंग बट समवन एल्स इज, एंड द फैक्ट इज बोथ ऑफ यू विल मीट इन अ कॉम्पिटिशन वेयर देयर विल बी ओनली वन विनर। तो आप एक ऐसे कॉम्पिटिशन में हो जहां पे शायद आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपका कॉम्पिटिटर कहीं काम कर रहा होगा, और जिस दिन आप कॉम्पिटिशन में मिले तो केवल एक विनर होगा। सो उस दिन के लिए आप तैयार हो जाइए और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को इम्प्लीमेंट करिए, आप भी थ्रिफ्टी हो जाइए, और थोड़ा सा और अपने कंसेप्ट में सेविंग और लाइए, इंक्रीज कीजिए सेविंग को, ताकि आप लोग उस दिन अपने सारे के सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी को स्पेंड कर सकें। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।